पीटीआई की जिद्दोजहद निजाम बदलने के लिए है। पहले शहबाज फिर नवाज, अब पता चला है मरियम नवाज भी माइनस होने जा रही हैं। फवाद चौधरी की शरीफ फैमिली पर कड़ी तनकीद, बोले अपोजिशन सियासत पाकिस्तान में कर रही है और हिकमत अमली लंदन में बैठकर बनाई जा रही है। माइनस वन करते करते अपोजिशन खुद माइनस हो गई। माइनस वन करते करते अपोजिशन की हालत यह है कि खुद ही सारे माइनस होते जा रहे हैं। पहले नवाज शरीफ माइनस हुए, फिर शहबाज शरीफ माइनस हुए और अभी पता चल रहा है कि मरियम नवाज भी माइनस होने जा रही है। अभी तो जो अपोजिशन है उसको अपनी लीडरशिप की तलाश है। पाकिस्तान में सियासत करनी है, मीटिंग्स लंदन में हो रही है। इस वक्त इस ख्याल को छोड़ दीजिए कि आप इमरान खान को तब्दील कर सकते हैं। इमरान खान के मुकाबले का लीडर पीटीआई में तो इस वक्त भूल जाए, इस वक्त पाकिस्तान में और कोई नहीं। हुकूमत को अपोजिशन की हैसियत का, अहमियत का इदराक होना चाहिए और मुझे खुशी है कि इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर दोनों अतराफ ने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। पाकिस्तान में भी इदारों को आपस में नए मिसाक की जरूरत है। फौज हो, अदलिया हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, उसे हकीकत का इदराक करके ही आगे चलना है। ASF जो है, इन्होंने तमाम लोग जो है इस पर मुत्तफिक हैं कि स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो बहाल होनी चाहिए।